सो गाइस, हम अभी जा रहे हैं। कल रात हमारी पैकिंग हो चुकी थी तो हमें सुबह निकलना था, बट हम इस टाइम निकल रहे हैं। कीज ले ली तुमने? चलो कीज ले लो भाई। मैं तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, और ये मेरा गार्डन सारा यहीं रहने वाला है। इसको वाटरिंग देने के लिए हम किसी को बोल के जाएंगे। ये सारा मेरा गार्डन देख रहे हैं आप, कितने सारे प्लांट्स हैं। ये सारे यहीं पे रह जाएंगे और इनको पानी देने के लिए किसी को बोलना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये ले लेती हूँ, बिकॉज ये रोज का प्लांट मेरे पास अभी आया था और इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये सूख जाएगा ना? नहीं, ये नहीं, ये तो अभी कल ही लाए। कोई बात नहीं, ये सूख जाता है, ये अभी नया आया ना, ये लेना जरूरी था भैया। गाइस ये प्लांट है ना, बहुत जरूरी था, बिकॉज ये अभी नहीं था, अभी इसको घर पे आए एक ही था, तो इसकी केयर एक्स्ट्रा करनी बहुत जरूरी है। ये नीचे खड़ा कर दो। वाह, है ना फ्रेंड्स? तुम उसे रख दो ना हाथ में जो ले रखा है। आपको पता है फ्रेंड, जब हम कहीं जाते हैं तब का सामान रखने में देर हो जाती है। इसमें धूप हो रहा है सीधा, और कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लामे से रख के आ रही, और वो आप नहीं हो अननेसेसरी। आप पापा को ये बैग दो, ये रखेंगे। कौन सा बैग? ये बैग, ओके ये दे दो। नहीं भागना नहीं है गाइस, गाड़ी में जगह ना होने की वजह से वापस रखने जाना पड़ रहा है ये मुझे, क्योंकि गाड़ी हमारी फुल है। ऐसा भी होता है कि गाड़ी में स्पेस ना हो तो आपको ऐसे वापस लाने पड़ती हैं चीजें। बढ़िया, बहुत प्यारा था। मैं आपके पास छुप कर आई। आप क्यों आई मेरे साथ? आरू आप क्यों वहीं बैठना था? मैं छुप कर आ, अपनी मम्मी को अकेला कौन छोड़ सकता है। वापिस आना पड़ा हमें दोबारा, एक चक्कर लगाना। आप यहाँ पे बैठो, आप वहीं रहो। मैं आरू को ये दे रही हूँ, फॉर योर लिटिल वन, योर बेबी। बिकॉज माय ब्रदर लव रोज। आपको कैसे पता? वो तो छोटू बेबी है। पर मुझे पता है कि उसे रोज पसंद होगा। आपने अपने बेबी के लिए किया है, छोटे से बेबी के लिए? छोटे ब्रो के लिए? यस। ओके सो गाइस, अब वापस जा रहे हैं और टाइम लग रहा है मैं ज्यादा, बिकॉज मेरे को वापस जाना पड़ा। सो अब हम चल चुके हैं अपने घर से। जय बाबा जी की, जय हो माता रानी, जय हो सभी देवी देवताओं। ये देखो गाड़ी की हालत, और हमारा भाई भी पूरा शिफ्ट होके बैठा है। गाड़ी भी दूसरे गियर में चढ़ने से मना कर रही है। तो गाड़ी पूरी फुल है, पीछे का तो अभी दिख भी नहीं पा रहा है, डिग्गी हमारी ऊपर तक फुल है। वो भी बताए मैंने यार, ये ग्रे वाली चप्पल पहन ली है। कुछ अच्छी बात है, मैं आपकी पहन कर आ गई। मीडिया के सिर भी चढ़ जाओ, तुम तो बिकी हुई मीडिया हो। अच्छा, गोदी मीडिया आके पूछेगी हमसे कि हम किसान है नहीं है, हमने कौन से जूते पहन रखे हैं, कितनी महंगी चीज पहन रखी। अरे तुम अपने मालिक से पूछो ना कि देश की जनता मर रही है, वो कहाँ पे बैठा छुपा हुआ। गृह मंत्री कहाँ है हमारे? गृह मंत्री ने कहा मुंह छुपा रखा है हमारे। ये बताइए, 6 महीने से आपने गृह मंत्री को देखा है क्या कहीं पे? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उन्हें तो बंगाल में रैलियों करने से फुर्सत नहीं है, उन्हें सिर्फ चुनाव जीतने हैं पूरे देश में। कह तो सही रहा, मरती रहे। बात तो सही कह, पर वो है कि वो एक ही उस पे है। कर तो ला मैं मोदी विरोध में पूरी रेल बना दूं इनकी, लेकिन कोई फायदा क्या यार, सारा दोष एक ही सर। क्यों तुम ज्यादा बड़े चौधरी बन रहे हो? क्यों ना पहने, क्यों ना खावे हम यहाँ पे रोटी,
क्यों ना खावे हम यहाँ पे गाजर का हलवा? अरे किसान का गन्ना, किसान अपने गन्ने को बोएगा, चीनी वो बनाता है, गाजर वो उगाता है, क्यों ना बनाए भाई हलवा? हलवा हलवा ना खावे के सल्फास की गोली बांट दो यहाँ पे फिर जनता को। हलवा ना खावे? अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, हलवा बहुत बड़ी चीज होगी, क्यों ना बनावे? सारा किसान का उसमें आइटम पड़ रहा, अरे हलवा हम तुम्हें खिलावे, किसान क्यों ना खावे? हम तो खाएंगे, काजू गेर के भी खाएंगे। मैं किसान नहीं हूँ, यहाँ पे आरू हमें क्या क्या मिल सकता है? किसी टीचर के बिना किसी और एक चीज और है कि हमारे टीचर हमारे पिताजी इतने वो इतने बड़े से पहले हम ना गाड़ी जब से हमें आती नहीं थी चलानी, हमें पहले एक घंटा लेक्चर मिलता था। हाँ मतलब हमने गाड़ी चलानी नहीं सिखाई, मतलब उन्होंने सिखाना, मतलब उन्होंने हमें कभी स्टीयरिंग नहीं दिया, लेकिन लेक्चर शुरू से ही मिल रहे हैं, लेक्चर मिल रहे हैं जब से हम बराबर में बैठने लगे या देखने लगे कैसे गियर बदला जा रहा है। तो हमें कोई भी सफर हमारा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखो जो आदमी जिस चीज में परफेक्ट होता है ना, क्योंकि जो एक इंजीनियर होगा वो आपके साथ ज्यादातर अपने फील्ड की इंजीनियरिंग की बातें करेगा, या जैसे मैं अपने बिजनेस की बातें करूंगा जो भी मैं काम कर रहा हूँ। तो चाचा का एक कोर जो था ना, वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ ड्राइविंग के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के IITN है, ये समझ लो आप। तो तुमने पहले शिक्षा ग्रहण की है, फिर प्रैक्टिकल बाद में हुआ है, वर्बली किया है कि ये बेटे ऐसे देखो जब घूम होता है, जब जब ज्यादा तेज घूम होता है तो रेस में से पैर हटा लो, बस उसी रेस।
तो टीचर ये नहीं कह सकते मिले नहीं है ना, टीचर बहुत टीचर मतलब अच्छे टीचर मिले हैं, इनके घर में ही टीचर थे, परमानेंट टीचर थे। तभी तो इतनी कम एज में आकाश सी क्या, और बिना किसी ड्राइविंग स्कूल के, बिना किसी इंस्टीट्यूट के, मैं भी जब चलानी शुरू की तो मैंने भी डायरेक्ट चलानी शुरू कर दी। तो मतलब ये लोग ऐसे इन्होंने इस चीज बैक ऑफ द माइंड ना वो चीजें इतनी फिल्ड करी जा चुकी थी हमारे जीवन में, क्योंकि हम हमेशा चाचा के साथ ही ट्रेवल किया है, हमेशा गाड़ी में उनके तो साथ। बिना सीखे इन्हें कोई नीड नहीं हुई सीखने की, बिकॉज इनके अंदर वो चीज बस चुकी थी। मतलब ये कह सकते हो वी बोर्न विद द ड्राइवर एज अ ड्राइवर। तो ड्राइवर बढ़िया है सारे। तो ये लड़का छोटा सा था जब से चला रहा है, और आज ये मुझे लगता है कि अपनी एज के अकॉर्डिंग काफी ड्राइव कर चुका है भाई। इसने तो आकाश ने तो जहाँ हम जा भी नहीं सकते, मैं जाते डरूंगा। मतलब ही इज वन ऑफ द ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड ड्राइवर इन आवर फैमिली। रास्ता कवर करते करते हमें बज चुके हैं 9:30 बजे हैं यार, और हम पहुंचे नहीं अब तक, और अब हमारा रूट कवर हो चुका है। छोटा सा जगह हुआ है चुन्ना सा तो देख नहीं रहा अभी, इधर आपको देख रहा है आरू, देखो अभी ना धूम भी चाहे आरू फर्स्ट टाइम ले रही है अपने से छोटे बेबी को इतने कौन है यार, तू देख रहा कौन है चिका तेरे जैसा है। हाँ, आज के जैसा ज्यादा छोटा सा ये सो अब तो बहुत बड़ा हो गया फिर भी हां अब तो बहुत ही मान लग गया। चलो अभी मैं लेती नहीं थोड़ी देर में बुआ जैसा है ये देखियो बुआ जैसा किसके जैसा देखियो आरू लाला बाबी मेरे जैसा। हां आपके जैसा भी लगा है। हां हां हाय 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 वैसे आरू आ रही है चिंगा है चिंगा है ना अच्छा है ना अच्छा हमारे फेस देख नहीं सकता है सारे एक जैसे हैं और बहुत पर तारीफ करते थे मुंह बना के चलते थे योइंग कर रहा है ऐसे आप थी पहले आरू कैसा लग रहा है आपको अपने भाई को देख के प्यारा है अब तो प्यार करोगी ना बाहर तो नहीं जाओगी नहीं मुझे पता क्या बोल रही थी मम्मी अगर आप उस बेबी के पास होगी तो आप ना मैं बाहर से आपको आवाज दूंगी मैं नहीं आऊंगी मैं आपको देख नहीं सकती उसके साथ मैंने कहा अच्छा इसकी अलमीरा देखी आपने हां मेरा देखी देखी अच्छी है खोल के देखो नहीं रहने दो कोई नहीं खोल ले कैसे बोलते हैं हां तो ये हमारी शिखा बहन ये हमारी माताजी और ये हमारे पिताजी जो हमारा अवेटेड बहुत वेट कर रहे थे ये अपने मामा की गोद में लिटिल वन भांजा आरू आपने तो पहली बार देखा था देख रहा है हां देख रहा था लेटा हूं ना बात करते रहो तुम कैसे लग रहे हो देखो बावले से लजरू तू लग रहा है बावला सा मैं छह से ले नहीं मारा शायद नहीं नहीं मतलब वैसे मैंने देखा ना मम्मी तो बहुत बोला मम्मी आप कुछ पूरा नहीं कर रहे आज ज्यादा कर रहे हैं भाई आराम से फिर भी तो ढूंढता है तो अपना कैमरा वर्क कर लो भाई से मत बोलो वो दिखाई कई बात है हेयर बैंड करे इसका अरे वाह 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 जुजू के जुजू के अच्छा ऐसे मम्मी पास करो मम्मी कैसे करते हैं राइट बस ऐसे ही मुझे तो जो माता रानी आशीर्वाद दे अपना सभी स्वस्थ रहे देख दीदी दीदी तो आपका
कितनी भीड़ सी होगी मतलब ना हां नहीं प्यारा है ना कि प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार करेगा प्यार तुमने लिया मैंने तो भी लिया मैंने कहा थोड़ी देर सी मैंने ले लो ऐसे तो डर लग रहा है पाले पर बच्चे ली ये ना रुक इतनी छोटी गोली आई नहीं दादा सर हां तो गोद में आके रोगा हां जी हेलो क्या बोल क्या मजी बात है हमारी कहानी सुनो क्या हम रात हो गए मैं पीछे ना हो गए पीछे हमारी घर उसको पहचान के मैं तो छुपे नहीं जाते छुप नहीं रहता हाँ जी एक लगा चिंगा ये चिंगा चिंगा ओए चिंगा अन्ना अन्ना देखिए मैं कौन जब आयु कहाँ गया मैं जब आयु जो तो और पूरे हाथ से पानी मम्मी इसका तो सिंगर नहीं अच्छी लगाओ भाई रे 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 सॉफ्ट से ज़्यादा अब तो बहुत सब पहना दे तक क्या हुआ रोई क्यों ये क्यों रोई अरु आपका छोटा भाई हाँ कुछ बोलो ना अपने भाई को देख के कैसी फील क्यूट है क्यूट आप डर क्यों रही हो ऐसे क्यों ऐसे ऐसे तो आपकी रोज वेट कर आरु पिक दीदी भाई वैसे ही बताओ आरु की गोद में आ गई कैसे आप भी ऐसे करती थी ये बहुत करती थी ना बहुत ज्यादा हो गया बस बस ना अन्ना तो है ही तो अन्ना क्या भाई मम्मी को बहुत बढ़िया लिया जा रहा है टचवुड मतलब गोदी में हमारे तो डर सा लग रहा है श्री जी आप ले लो ऐसे श्री जी तो ले रहे हैं ठीक ठाक सही है पापा श्री जी वाला फोरहेड है बंदर इसका हैप्पी हैप्पी टू सी क्या खोई सी क्यों वो गोदी कल चुप हो गया ना जब देखो भाई जब मामी ने भाई मामी ने तो डरते डरते लिया डर सा लग रहा था मुझे लेने इसके आगे ना थोड़ा और बड़ी लग रही है मैं वही कराऊंगा झूला कराऊंगा लेके घूम लो चलते रहो राना नी देखो नन्ना मुन्ना बेबी सो रहा है Yes.